प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी इंसान कुछ करने की कोशिश करता है और वो होता नहीं, तो फिर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। एक सेइंग है कि वेयर ऑल एफर्ट्स फेल वी प्रे। प्रार्थना जो कि प्रभु के चरणों में की जाती है, कि जो भी तकलीफ है, जो हमें घेरे हुए है, वो दूर हो। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें इस दुनिया की चीज़ें मिलें। कोई चाहता है कि उसे नौकरी लग जाए, कोई चाहता है कि नौकरी लगी हुई उसमें प्रमोशन हो जाए, कोई चाहता है कि एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ जाएं, कोई चाहता है कि एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, कॉलेज में हो जाए। जिसकी शादी नहीं हो रही, वो कोशिश करता है उसकी शादी हो जाए, चाहता है उसकी शादी हो। जिनकी शादी होगी, वो चाहते हैं उनके बाल बच्चे हों। और अपनी कोशिशें करने के बावजूद जब हम वो पाते नहीं जो हम चाह रहे हैं, तो हमारे अंदर से प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु ये हमारी ज़िंदगी में हो जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, खुश होंगे। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं, तो वो हमें समझाते चले आए हैं कि इस दुनिया की चीज़ों को मांगने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, जो माया की दुनिया में है, इसमें जब हम चीज़ें इस दुनिया की मांगते हैं, तो सही मायने से हम कुछ पाते नहीं। तो इंसान को प्रार्थना किस किस्म की करनी चाहिए, प्रभु से मांगना क्या चाहिए? प्रार्थना तो एक ज़रिया है कि जो देने वाले हैं, जो दाता हैं, उनसे हम कुछ मांगें। जब जब हम उस अवस्था में अपने आप को पाते हैं जिसमें कि हमें लग रहा है कि तकलीफ़ें बढ़ गईं, जैसे दलदल में जब इंसान फंसता है, उसमें हाथ पैर मारता है तो वो और धंसता चला जाता है, ऐसे ही माया की दुनिया में जब हम चीज़ें मांगनी शुरू करते हैं, तो हम और फंसते चले जाते हैं। बहुत से लोग जो कि बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं, शुरू में जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो बड़ी मेहनत करते हैं, और फिर जैसे जैसे उनका बिज़नेस बढ़ता चला जाता है, वो उसमें घिरते चले जाते हैं। वो समय जो उन्हें मिला है कुछ पाने के लिए, सिर्फ अपने बिज़नेस को बढ़ाने में ही निकल जाता है। तो जब इंसान अपने आप को घिरा हुआ पाता है, और जब दुनिया की चीज़ें उसे मिलती भी हैं, तब भी सुख चैन नहीं पाता, तो उसका ध्यान महापुरुषों के वचनों की ओर पड़ता है। संत सूरदास जी महाराज ने एक प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में की, जो अगर हम समझेंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो सही मायनों में हमें समझ में आएगा कि प्रार्थना किस किस्म की करनी चाहिए। हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से घिरे हुए हैं,
हम लोग इस दुनिया की ओर ध्यान देते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ और नहीं, और सारा समय हमारा सिर्फ इस माया की दुनिया में अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते ही गुजर जाता है। संत सूरदास जी महाराज फरमाते हैं एक प्रार्थना जो एक बालक अपने पिता से कर रहा है, एक आत्मा जो परमात्मा से कर रही है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु की संतान है, वो आत्मा जिसको ये ज्ञान हो गया कि वो शरीर नहीं। ज़्यादातर तो इंसान अपने आप को शरीर ही समझता है, लेकिन वो ज्ञान कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम इस माया की दुनिया के रहने वाले नहीं, हम चेतन दुनिया के वासी हैं। तो संत सूरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि प्रभु जी मेरे ऑर्गन चित ना धरो, कि प्रभु जी मेरे ऑर्गन चित ना धरो। वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से कि मेरे अंदर तो बहुत से ऑर्गन हैं, मुझ में गुण नहीं, ऑर्गनों से मैं भरा हुआ हूँ, आप उनकी ओर ध्यान न दें। ज़्यादातर इंसान समझता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहा है, और हम अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं, और जो कर रहे हैं उसी में मस्त रहते हैं, सोचते हैं कि हम सब कुछ बहुत ठीक कर रहे हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि अपने आप की ओर देखना और जानना और जांच पड़ताल करना कि हम कैसे जी रहे हैं, क्या करते हैं, क्या हमारा व्यवहार है, कैसे दिन का समय स्पेंड करते हैं। जब अपनी ओर ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि क्या हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे। अगर हम अपनी ओर देखेंगे नहीं और यही सोचते चले जाएंगे कि जो हम कर रहे हैं हम तो बड़ा सोच समझ के सही कर रहे हैं, तो फिर हम करते जाएंगे लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आएगा। इंसान के अंदर बहुत कमियां हैं, और वो इंसान जो अपनी कमियों की ओर ध्यान नहीं देते वो कभी अपने आप को बेहतर कर नहीं पाते। वो इंसान जो समझ रहा है मैं बहुत ठीक कर रहा हूँ, वो तो अपने आप को कभी बेहतर करेगा नहीं। तो यहाँ संत सूरदास जी महाराज सबसे पहले तो हमें ये समझा रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत ऑर्गन हैं, हम तकलीफ़ों से भरे हुए हैं। फरमा रहे हैं कि प्रभु जी मेरे ऑर्गन चित ना धरो। तो किस किस्म के ऑर्गन हमारे अंदर हैं? सबसे पहले तो हम भूल जाते हैं कि हम पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। बहुत से भाई बहन जब इस धरती पर आते हैं वो सोचते हैं कि इंसान जो कुछ कर रहा है वो उसके करके हो रहा है। नास्तिक होना, प्रभु में यकीन न करना, ये सोचना कि सब कुछ हमारे करके हो रहा है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। जिसने हमें इस धरती पर भेजा, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम उसको जाने, उसे पहचाने, जिसने ये मौका दिया कि हम असलियत को जाने,
अपने आप को आत्मिक रूप में जाने, जिसने मौका दिया कि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो, उसको भूल जाना, उसका हमारी जिंदगी में ना होना, ये सबसे बड़ा औगुण है। क्योंकि अगर हमें यकीन नहीं होगा कि पिता परमेश्वर हैं, उनकी सृष्टि रची हुई है, हम उनके अंश हैं, तब तक हम कदम बढ़ा नहीं सकते अपने निर्धारण तक जाने के लिए। तो सबसे बड़ा औगुण जो हमारे अंदर है वो नास्तिकता का है। दूसरा औगुण जो है वो कर्मों के भोगों का है। हम सब अपने आप को देह मानते हैं, हम सब सोचते हैं ये शरीर है, और जब तक ये शरीर है इसके साथ जो कुछ होता है उसको हम असली मान लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये शरीर चंद क्षणों के लिए मिला है, हो सकता है पिछले कर्मों करके जो हमने पहले किया था, जब पहले कोई मानव चोला मिला था, उस करके जो कर्म बने हैं उनको हमने भोगना है, नए कर्म भी बनाते चले जाते हैं। तो इस शरीर को अपना आप समझना और ये भूल जाना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जैसे जैसे इस जिंदगी में जीते हैं तो हम भोगों की ओर बढ़ जाते हैं। भक्ति करने के सिवाय, प्रभु को याद करने के सिवाय शरीर के भोगों में लग जाना, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दायरे में जिंदगी गुजारना, जिससे कि कर्म और बढ़ते चले जाते हैं, और फिर इंसान आलसी होता है। वो सोचता है कि मैं कल कर लूँगा कुछ ना कुछ, भूल जाता है कि ये क्षण बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि जो करना है चलो कल कर लेंगे, कल आता है सोचते हैं फिर कल कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, और जो काम हमने करना है, जो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, उसे करते नहीं और दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। यही कर्मों के सब बोझ हैं। ये ना जानना कि हम आत्मा हैं, फिर वो कार्य ना करना जो कि आत्मा को अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से घिरे रहना, और फिर सोचना कि दुनिया की चीज़ें जरूरी, उसमें समय लगा देना, और जो काम करने के लिए हैं उसे ना करना, जो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, जो तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे, ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे, अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे। तो जब कदम उस ओर नहीं उठाते तो ये सुनहरा मौका जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है वो निकल जाता है। तो ये जानना कि हमारे अंदर ऑर्गन है, ये बहुत बड़ी बात है। वो इंसान जो समझ जाता है कि मैं भी कुछ गलतियां करता हूँ, मुझ में भी कुछ गलतियां हैं, वही फिर उन्हें सुधार सकता है। अगर हम समझे हम सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, फिर तो हम अपने आप को सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे अंदर ऑर्गन हैं, तभी हम उनको एक एक करके अलग कर सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने तो आत्मनिरीक्षण की डायरी दी, जिसके जरिए रोज़ाना हम देखें कि कितनी गलतियां हम कर रहे हैं, ताकि हम बेहतर हों, आस्ते आस्ते एक एक करके सब गलतियों को दूर करें और अपने कदम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ाएं। एक वाक्य एक इंसान की ज़िंदगी का है, वो प्रभु को बहुत याद करता था। वो कहीं रेगिस्तान में जाकर रहना शुरू हो गया, एक कुटिया बनाई, वहाँ एक पेड़ था जिससे फल निकलता था, जिसको खाता था, और साथ में ही पानी का एक तालाब सा था जहाँ पानी पीता था, और प्रभु की याद में जीता था।
जब उसकी मौत हुई तो उसे पूछा गया कि पहले तेरे जो तूने अच्छे गुण करे हैं उसका हिसाब करें कि जो तेरे में अवगुण थे, जो तूने चीज़ें ठीक नहीं करी उसका हिसाब करें। तो उसको लगा कि मैं तो जिंदगी भर प्रभु को याद करता रहा, मैंने अच्छी चीज़ें करी हैं, वो बुरा तो करा ही नहीं। तो उनका जी मेरा आप जो अच्छी चीज़ें करी हैं उसका फल दे दो। तो उसने कहा देखो मैं प्रभु को याद करता था और मैंने तो कुछ खराब किया नहीं। तो उसे समझाया गया कि जहाँ तुम प्रभु को याद करने के लिए रहना शुरू हुए, प्रभु ने एक पेड़ लगाया ताकि उसका फल तुम रोज खाओ, कि रोज़ाना तुम्हें फल मिले तुम जी सको। प्रभु ने रेगिस्तान में भी तालाब बनाया तुम्हें पानी मिले। रोज़ाना जब तुम अपनी कुटिया से पानी लेते जाते थे, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े तुम्हारे पैरों के नीचे मरते थे। तब उसे समझ में आई कि कितना खराबी उसके ज़रिए हुई है। हम सब समझते हैं कि हम सब बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ज़िंदगी में होता है जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। तो ये प्रार्थना जो संत सूरदास जी महाराज कर रहे हैं कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, वो ये जान रहे हैं कि हम सब अवगुणों से भरे हुए हैं। एक सूफी संत ने फरमाया है कि हम सब की हालत ऐसे है जैसे एक लकड़ी के तख्ते पे हमें बांध गया गया हो और फिर हमें समुद्र में भेज दिया गया हो और कहा गया हो कि तुम समुद्र में जी रहे हो, तुम्हारे कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। अब अगर लकड़ी के तख्ते के साथ हम बने हैं, समुद्र में वो तख्ता डाल दिया गया है, तो कभी ऊंचे जाएगा कभी नीचे, वेव्स ऊपर नीचे होंगी, तो गीले तो हम होंगे ही। तो जब इस माया की दुनिया में हमें भेजा गया है तो यहाँ जीते जीते हमसे गलतियाँ होंगी, हर एक इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन ये जानना कि हमसे गलती हुई है और उसको समझना पहला कदम है ताकि हम उन गलतियों को अपने आप से दूर कर पाएं। तो प्रार्थना इसीलिए की जा रही है कि हे प्रभु हमसे तो बहुत सी गलतियाँ होंगी, आप उनकी और ध्यान ना दें, जो गलतियाँ हमने कर दी हमें बख्श दें। आपका ध्यान अगर हमारी गलतियों की ओर होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम तो रोज़ाना कई गलतियाँ करते हैं। और आगे क्या फरमा रहे हैं कि समदर्शी है नाम त्योहारो, अब मोहे पार करो। फरमा रहे हैं आप तो सबको एक ही नज़र से देखने वाले हो, चाहे ऊंचा है कि नीचा है, कहीं पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, एक देश का है दूसरे देश का है, एक कौम का है दूसरे कौम का है, इस दुनिया के लिहाज से अच्छा है या बुरा है, अवगुणों से भरा हुआ है, आप तो सबको एक ही दृष्टि से देखने वाले हैं कि अब मोहे पार करो। कि मेरी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही है, आप अपनी दया दृष्टि से अपनी तवज्जो देकर मेरे अवगुणों को ध्यान ना करते हुए मुझे इस भव सागर से पार करो, मुझे 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवाओ, मुझे अपने आप में लीन करो। तो ये प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जो कि एक सच्चा शिष्य करता है। ये प्रार्थना तब हमारे अंदर से निकलती है जबकि हमें यकीन हो जाए कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, प्रभु ने हमें यहाँ इस धरती पर 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लिए भेजा है और हम प्रभु को पाने के लायक हैं। बहुत सी बार तो इंसान ये भी सोचता है प्रभु इतने बड़े हम छोटे से हैं,
हम कभी उन्हें जान सकेंगे, कभी पहचान सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे, उनसे बातचीत कर सकेंगे, उनके पास समय भी है हमसे बातचीत करने का, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु असीम है, अनलिमिटेड है, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं। वो हमारा पास क्या था उसे भी जानते हैं, हमारे प्रेजेंट को भी जानते हैं, हमारे फ्यूचर को भी जानते हैं, और उन्हें मालूम है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। कि जब हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा तो फिर हम ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये प्रार्थना संत सूरदास जी महाराज ने अपनी आत्मा की ओर से परमात्मा के चरण कमलों में की है कि प्रभु जी मेरे औगन चितना धरो, समदर्शी है नाम त्यारो, अब मोहे पार करो। कि मैं बड़ी बारी आ जा चुका हूँ, बड़ी बारी इस भव सागर में डूब चुका हूँ, बड़ी बड़ी मेरी आत्मा शरीरों में आती गई जाती गई आती गई जाती गई, अब इस मानव चोले में हूँ, आप दया दृष्टि डालिए, आप कृपा कीजिए, आप मुझे अपने में जोड़ लीजिए। आगे फरमा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो जो एग्जाम्पल्स इन महापुरुषों की ज़िंदगी में खुद आए, जिस समय में वो जीते थे, जिस समय की वो कल्चर्स थी, जिस समय ऐसे महापुरुष आए, क्योंकि हर समय में आते रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी जिए उस कल्चर के एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें समझाते रहे हैं कि हम कौन हैं, हमें यहाँ क्या करने के लिए भेजा गया, और कैसी हम ज़िंदगी जिए ताकि हम अपने मकसद को पूरा करें। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। कह रहे एक तो नदी है, गंदा नाला है जो गंदगी से भरा हुआ है, और फरमा रहे हैं जब दोनों मिल एक भरन बहे, सूरसरी नाम भरो। कह रहे जब गंदा नाला है, जब वो नदी के अंदर मिला और वो नदी जाकर गंगा जल में मिली तो सब भी गंगा जल बन गया। गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, कि जब उसमें जाकर एक गंदा नाला भी मिला तो वो भी पवित्र हो गया। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम लोग औगुणों से भरे हैं, हम एक गंदे नाले के माफक हैं, एक नदी हमारे सदगुरु, जब एक गंदा नाला हमारे सदगुरु से मिलता है, जब हमारी आत्मा अपने सदगुरु में मिलन होती है, तो फिर वो सदगुरु हमें परमात्मा में लीन करा देते हैं। और जैसे एक गंदा नाला में जो पानी है जब वो जाकर गंगा जी में बहता है तो खुद खुद पवित्र हो जाता है, ऐसे ही हमारी आत्मा जिस पर तरह तरह के कर्मों का बोझ है, जो गंदगी से भरपूर है, जब हमारे सदगुरु के ज़रिए वो पिता परमेश्वर में लीन होती है तो वो भी शुद्ध हो जाती है। तो हमें यहाँ संत सूरदास जी महाराज समझा रहे हैं कि हमें गंगा जल बनने के लिए एक नदी की ज़रूरत है, कि हमारी आत्मा जब इस शरीर में जान दे रही है तो जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो मिलती है तो ये शिव नेत्र, ये दसवां द्वार खुलता है, हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं, हम पिंड अन्न ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं अपनी सदगुरु की दया मेर से। क्योंकि जब हम पहले ध्यान टिकाते हैं तो पहले हम शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, जैसे शरीर और मन शांत होते हैं तो हम अपने अंदर रोशनियों का दर्शन करने शुरू हो जाते हैं। जब रोशनियाँ देखते हैं उनको पार करते हैं, प्रभु की ओर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। जब अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं तो वो शब्द के ज़रिए हमें अपने साथ
पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, वहाँ पार करते, पार ब्रह्म में उसको पार करते, सचखंड में ले जाते हैं, ताकि हर एक स्टेप पर एक एक शरीर जो हमारी आत्मा पर चढ़ा उतर जाता है, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी शरीर, ये अलग हो जाते हैं। और फिर हमारी आत्मा अपने सद्गुरु में लीन होती है, और वो फिर हमें, क्योंकि सारे ये शरीर, सारे ऑर्गन अलग हो गए, वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं। तो यहाँ पर संत सूरदास जी महाराज हमें एक गंदे नाले और एक नदिया का एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि कैसे गंदे नाले का पानी पवित्र हो सकता है। वैसे ही हमारी आत्मा, चाहे वो शरीर में है, ऑर्गनों से भरी हुई है, जब एक पूर्ण महापुरुष के साथ जुड़ती है तो फिर वो भी शुद्ध हो सकती है, पिता परमेश्वर में लीन हो सकती है, कि उसके ऊपर जितनी गंदगियाँ सब दूर हो जाएंगी। जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचते हैं तो हमें बदलाव आ जाता है, उनकी तवज्जो से, उनके प्यार से, उनकी ग्रेस से, जो मन माया के पर्दे हमारे ऊपर पड़े हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं। जितने भी हमारे कर्म हैं जो हमारी आत्मा के साथ जुड़े हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं, और हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं, अपनी जो प्योर स्टेट है उसमें पाते हैं, आत्मिक अवस्था में पाते हैं। और फिर हम अपने सद्गुरु की दया मेहर से पिता परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर संत सूरदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम ये ना समझें कि हम प्रभु को पा नहीं सकते, हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। इंसानी चोला मिलने का मकसद ही है कि हमारा बर्थ राइट है कि हम अपने आप को जाने और पिता परमेश्वर को पाए। और यहाँ आखिर में एक प्रार्थना फिर से संत सूरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि ये माया भ्रम जाल निवारो सूरदास सगरो। कह रहे हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि ये माया का जाल है, इसमें से आप मुझे निकालो। 84 लाख जी अर्जुन में मैं फंसा हुआ हूँ, माया की दुनिया में मैं फंसा हुआ हूँ, आप कृपा करिए, आप मुझे निकालो यहाँ से, कि अब की बार मोहे पार उतारो नहीं प्रण जाट टरो। वो फरमा रहे हैं कि इस बारी जब आपने मानव चोला दिया है इससे मेरे को भव सागर से पार कर दो, नहीं तो नहीं प्रण जाट टरो। फरमा रहे हैं कि नहीं तो जो आपने प्रण किया था जब मुझे यहाँ भेजा था मानव चोले में कि तुम्हें ये मौका मिलेगा अपने आप को 84 लाख जिया जून से छुटकारा कराने का, तो जो आपका प्रण है वो टूट जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी, शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो, जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे मेरी प्रभु के चरण कमलों में। जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले।
इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।